आज मैं बनाऊंगी मेथी आलू की स्वादिष्ट सब्जी। भाई मेथी आलू सर्दियों में खूब पसंद किए जाते हैं और सबके घर में खूब बनाए जाते हैं। आजकल तो मार्केट में भी अच्छी ताजी सब्जियां मिल रही हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में एकदम ताजी ताजी सब्जियां मिलती हैं मार्केट में, और नए आलू भी आने लगे हैं जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आज हम मेथी आलू की स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। जल्दी बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या सामान लगता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी आलू की स्वादिष्ट सब्जी। देखिए, हमने ये मेथी ली है। हम मेथी को मुट्ठी में लेंगे और मुट्ठी में लेने के बाद इसको अच्छे से हम हसिया से काटेंगे। दोनों हाथों से अच्छे से सेट कर लेना है। हम इसको हसिया से काट रहे हैं, आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा बारीक चाहिए तो हम इसको हसिया से काटेंगे। देखिए, इस तरह से हमें भाजी को कट करना है। ये जो भाजी है ये हमने घर पे लगा रखी है, एकदम ताजी भाजी है। इसको हमने धो अच्छे साफ कर लिया था। साफ करने के बाद इसको काट रहे हैं। देखिए, ज़्यादा बारीक कट रही है हमारी ये भाजी। आप मोटा मोटा भी काटेंगे तब भी भाजी बहुत टेस्टी बनेगी। चलिए, हम इस तरह से भाजी को काट के तैयार कर लेते हैं। हमने पूरी भाजी को काट लिया है और ये भाजी में जो हमारा सामान डालना है, ये 5 आलू है, मीडियम साइज के आलू, और 1 प्याज, और हम 1 गठिया लहसुन की ली है, और 2 टुकड़े अदरक की, और ये हरी मिर्ची। चलिए, सबको अच्छे से कट कर लेंगे। ये जो आलू लिए हैं ये नए आलू हैं, आप इसे धो के भी बना सकते हैं, हम इसे छील के बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छे से कट करने के बाद हमने सब मसाले को कट कर लिया है, हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम धनिया भी डालेंगे। हम धनिया को भी अच्छे धो के रखा है, इसको भी हम काट लेंगे। हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। 1 बड़े चम्मच हमने तेल लिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे, क्योंकि दोनों को सेम टाइम ही लगता है ब्राउन होने में। अब अच्छे से हम इसको ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद हम प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। हम साथ में ही दोनों को डाल देंगे, प्याज और हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने दें। देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। वही जो मेथी की भाजी है, इसमें जो आलू आते हैं नए आलू, बहुत सौंधे सौंधे लगते हैं खाने में। हमने आलू को भी कट कर लिया है, हम आलू भी डाल देते हैं। आलू को अच्छे से मिला देना है। इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से हमारे जो आलू हैं जल्दी से पक जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, नमक नहीं डालते तो हमारे जो आलू हैं जल्दी से पकते नहीं हैं। हमने अभी इसमें 1/2 चम्मच करीब नमक डाला है, क्योंकि हम और नमक भाजी में पकते समय डालेंगे। अभी हमने आलुओं को पकने के लिए नमक डाला है। चलिए, हम इनको ढक के रख देते हैं। आप इसको खुले में भी पका सकते हैं। देखिए, हमारे आलू अभी पूरी तरह से नहीं पके हैं। देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम इसे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अच्छे से मसाले को मिला देना है। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हमने गरम मसाला इसमें नहीं डाला है। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी तो हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स हम ढक के रख देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखना है, ताकि जो हमारे आलू हैं अच्छे से पक जाएं। चलिए, हमारे आलू को देख चेक कर लेते हैं किस तरह से पके हैं। अभी हमारे आलू हैं अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें मेथी की भाजी डालेंगे। जो बकाया आलू है जैसे थोड़ा सा नहीं पके हैं तो वो मेथी के साथ ही पक जाएंगे, क्योंकि मेथी में भी काफ़ी पानी निकलता है। हम इसी तरह से मेथी को डाल देंगे और मेथी को डाल के भी अच्छे से मिला देना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे मेथी को। अभी मेथी कितनी फूली फूली सी दिख रही है, लेकिन जब ये अच्छे से मिक्स कर देंगे बनने के बाद एकदम कम हो जाती है, क्योंकि जो भाजियाँ रहती हैं वो बनाते समय तो बहुत ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन बनने के बाद एकदम कम सी हो जाती हैं। अच्छे से देखिए, मिला दिया है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें नमक भी डालेंगे, क्योंकि उस समय हमने नमक कम डाला है। और इसको ढक के रख देंगे अच्छे से। देखिए, हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि हमने नमक कभी डाला है बाद में, पहले नहीं डाला था, कम डाला था पहले नमक। और नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम इसे ढक के रखेंगे, क्योंकि आप खुले में भी पका सकते हैं, लेकिन हम इसे ढक के पका रहे हैं, क्योंकि ढक के जब पकाते हैं उसमें जो आलू होते हैं बहुत अच्छे सौंधे सौंधे लगते हैं खाने में। जो मेथी का पानी निकलता है उससे जो आलू पकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं भाई खाने में। मुझे तो बहुत पसंद है।
चलिए हम इसको ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम भाजी को खोल के देखते हैं किस तरह हमें भाजी पकी है। यदि चेक कर लेते हैं भाजी को, आप एक डंठल निकाल के भी चेक कर सकते हैं, वरना देख के ही पता चल जाएगा कि हमारी जो भाजी है वो किस तरह से पकी है। हमारी भाजी अच्छे से पक गई है, देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। आप आलू को भी चेक कर सकते हैं, आलू से देखिए आलू भी कितने अच्छी तरह से नरम है, अच्छे से पक गया है। देखिए अभी इसमें हल्का हल्का पानी दिख रहा है, हम इसे और पकने देंगे। और हमने टमाटर लिए हैं, छोटे टमाटर हैं, देसी टमाटर, हम टमाटर को भी इसमें डाल देंगे। हम इसे काटेंगे नहीं क्योंकि जो टमाटर हैं छोटे छोटे टमाटर हैं, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर डाल के भी अच्छे से मिला देना है, आप कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे साबुत टमाटर ही डाले हैं। देखिए टमाटर हैं हमारे अच्छे से पक गए हैं, टमाटर को डाल दिया है। टमाटर को डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसको ढक के रख देंगे। देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे टमाटर हैं जो पक गए हैं, हमारी भाजी बन के तैयार है। भाई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, जल्दी से बन जाती है। अब हम इसमें धनिया भी डाल देंगे, धनिया डालने से इसका स्वाद है दुगना हो जाएगा। आप बनाते समय भी ज़्यादा से धनिया डाल सकते हैं। चलिए हम अच्छे धनिया डाल के अच्छे से मिला देंगे, हमें भाजी बन के तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। चलिए 1 चम्मच में हमें थोड़ा सा घी गर्म होने के लिए रखा है, अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग का जो तड़का होता है वो भाजी का स्वाद दुगना कर देता है। और हम अच्छे से डाल देंगे घी, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हमारी भाजी बन के तैयार है, हम परोस के दिखाते हैं। देखिए हमारी भाजी कितने स्वादिष्ट बनी है और जल्दी से बन भी जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। भाई मेथी आलू का साग बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे सादा रोटी में या पूड़ी पराठे, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।